सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी नवी वीडियो। तो क्या जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आएंगे, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे बिल्कुल असली वाला सच्चा डिटेल्ड एलपीयू का रिव्यू कि क्या एलपीयू में मतलब जाना वर्थ है या नहीं, क्या चीज़ है डिटेल्ड रिव्यू एलपीयू के बारे में। एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे जिसमें कि हमारे 5 पॉइंट डिस्कस होंगे। कौन कौन से 5 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, दूसरा कैंपस कैसा है, कैंपस के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट लाइफ कैसी है, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आएगी वो आएगी आपकी फैकल्टी है ना, कि फैकल्टी कैसी है। उसके बाद जो चौथी चीज़ आएगी उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम एलपीयू जाएंगे वो क्या है, प्लेसमेंट्स की प्लेसमेंट है या नहीं, प्लेसमेंट का सच क्या है, जो इतनी एड्स आती हैं, इतने जो हाईएस्ट पैकेज है 62 लाख, ये वो सच है या नहीं है ना, क्या डिटेल्ड रिव्यू है प्लेसमेंट का, वो डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद लास्ट चीज़ जो एलपीयू में जाना वर्थ रहेगा या नहीं। तो ये 5 चीज़ें हैं जो हम इस डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे है ना। तो उसके लिए और ऐसे नहीं यार हम कोई भी बात की बस ऐसी बस बात करने के लिए बात कर रहे हैं, नहीं, सारी चीज़ें आपको मैं वेबसाइट के थ्रू बिल्कुल विद प्रूफ दिखाऊंगा, और जो चीज़ सच होगी वो बताऊंगा कि हाँ ये सच है, और जो चीज़ लिखा होगा ऐसे ब्लफ के लिए मतलब ओवर हाइप्ड करके लिखी हुई है वो बताऊंगा कि ओवर हाइप्ड करके लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। अब आ जाओ फटाफट, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन जैसे आपको दिख ही रही है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे एलपीयू के बारे में डिटेल रिव्यू। तो जैसे कि 5 पॉइंट बताए हैं मैंने, याद रखना उसी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एलपीयू गूगल के ऊपर जाओ, गूगल के ऊपर जाके आप एलपीयू सर्च करो। एलपीयू सर्च करते आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी www.lpu.in। ये वेबसाइट खोलते ही मना आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी बहुत अच्छी, जिसके ऊपर एलपीयू के बारे में A to Z सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर, एलपीयू का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर आप यार एलपीयू के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, A1 इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब सबसे टॉप लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छी है, वेल फर्निश्ड क्लासेज हैं, बहुत ही अच्छी क्लासेज हैं। उसके बाद जो वेल फर्निश्ड लैब्स हैं, बहुत ही अच्छी लैब्स है ना, लैब्स में आपके बहुत ही अच्छे लेवल के कंप्यूटर मतलब एप्पल के कंप्यूटर लगे हुए हैं ना, तो उसमें आपको बहुत ही हाई लेवल की टेक्नोलॉजी से डील करने को मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में A1 एलपीयू कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा पॉइंट जो आया था, अगर मेरे से आप रेटिंग पूछोगे इंफ्रास्ट्रक्चर की एलपीयू के, तो 600 एकड़ का कैंपस है, मतलब देख सकते हो 600 एकड़ का बड़ा कैंपस है पूरा, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर A1 क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कोई भी बुरा नहीं। अगर आप चाहे तो एडमिशन लेने से पहले एलपीयू में जाके विजिट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी विजिट होगी। सारी आपको यूनिवर्सिटी दिखाई जाएगी, जिसमें कि आपकी क्लासेस वगैरह, आपको आपके हॉस्टल वगैरह और भी जो मॉल वगैरह सब कुछ दिखाया जाएगा। तो A1 इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो कि इतना बड़ा कैंपस बनाया। इनका नाम इसलिए चलता है क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिल्कुल A1 है। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं वो कैंपस लाइफ कैसी है, कैंपस कैसा है। तो 600 एकड़ का बड़ा कैंपस है ना, अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरी यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो MIT हो, चाहे CU हो, चाहे चितकारा हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कंपेयर करेंगे तो 600 एकड़ का बड़ा कैंपस है। एलपीयू के बराबर कैंपस किसी का नहीं है, तो बहुत ही बड़ा कैंपस है। कैंपस के अंदर कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्यों है, स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी है क्योंकि कैंपस के अंदर ही आपका मॉल है, जो मतलब सोच सकते हो एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक उनका खुद का मॉल है ना, तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही मॉल है। उसके बाद इनका खुद का एक क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में होता है खुद का क्रिकेट स्टेडियम, तो आपको क्रिकेट के लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप मिल जाएगा, खेल सकते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं बहुत सारे, स्विमिंग पूल हैं, तो मतलब स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप जगह जगह खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अंदर ही स्विमिंग मतलब बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिसमें आप वैसे खेल सकते हैं, शौकिया तौर पर खेल सकते हैं। तो 600 एकड़ का पूरा बड़ा कैंपस है जिसमें कि आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सब कुछ है अंदर, मतलब खाने के लिए आउटलेट्स है पूरा। एक बात यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि आपको कैंपस के अंदर नॉनवेज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पूरा प्योर वेजिटेरियन, ना ही आपको मेस में मिलेगा नॉनवेज, ना आपको कैंपस के अंदर किसी भी शॉप पे नॉनवेज मिलेगा। प्योर वेजिटेरियन कैंपस है, तो आपको सारा खाना क्या मिलेगा, बिल्कुल प्योर मिलेगा, लेकिन अंदर बहुत ही सारे आउटलेट्स है खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो तीसरी पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो क्या है, फैकल्टी। फैकल्टी के मामले अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार फैकल्टी कैसी है, तो फैकल्टी मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ, फैकल्टी यहाँ की लोकल पंजाब की फैकल्टी रहेगी सारी। तो अब अगला पॉइंट आता है कि क्या वो अनक्वालिफाइड होंगे या अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्वालिफिकेशन के मामले में उनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं, सब वेल क्वालिफाइड होंगे। एक इंटरव्यू मतलब बहुत ही टफ प्रोसेस से गुजर के उन्होंने एलपीयू में जॉब ली होगी। आपको तो वैसे ही पता है यार कि कितने आजकल मतलब जॉब के लिए जॉब्स की कमी है, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे ही किसी को एलपीयू में रख लेंगे, एक वेल रेपुटेटेड कंपनी है तो सबको रख लें। अब एलपीयू इतना बड़ा है, स्टूडेंट इनटेक इतना ज़्यादा है ना, मतलब 600 एकड़ का कैंपस है, इतना बड़ा कैंपस है, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेट अगर आप जज भी करें तो 50-60,000 की स्ट्रेंथ होगी एलपीयू की पूरी। तो अब इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर्स भी हायर करने पड़े, तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि दूसरे स्टेट्स के लोग हैं जो स्पेशल इतनी दूर दूर से एलपीयू में पढ़ाने के लिए आए हैं ना, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए इतनी दूर से आए, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम क्राउड रहेगा वो लोकल पंजाब का क्राउड रहेगा, क्वालिफाइड अच्छे होंगे
लेकिन उसमें से ऐसा होगा कि 50-50% चांसेस रहते हैं कि कुछ टीचर्स बहुत मतलब जो मैक्सिमम टीचर्स होंगे वो 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस के होंगे, फ्रेशर्स टीचर्स होंगे, जो वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर होंगे वो थोड़े से कंपैरेटिव कम होंगे होंगे लेकिन कम होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ा रहे होते हैं, ऐसा सब होता है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी ये भी है, लेकिन वो मैं गवर्नमेंट वगैरह की बात कर रहा हूँ कि वो और अच्छी जॉब्स पे हो जाते हैं, वो बहुत अच्छी सैलरी पे के लिए, तो उनकी क्वांटिटी कम होगी लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी। तो ये टोटली आपकी मतलब डिपेंड रहेगा आपकी किस्मत के ऊपर कि आपको कुछ टीचर्स ऐसे मिलेंगे कि जो बहुत ही ज़्यादा वेल क्वालिफाइड होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे, और कुछ टीचर आपको ऐसे मिलेंगे जो नॉर्मल से होंगे। तो टीचर्स के मामले अगर आप पूछेंगे तो आपको यार ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लेके जाओ कि आपको टीचर बहुत अच्छे मिल जाएंगे, नॉर्मल लेवल के टीचर मिलेंगे जो आपको उतना तो पढ़ा देंगे जितना सिलेबस में लिखा होगा ना। मतलब अभी आप बिल्कुल सोच के मत जाना कि आप स्पून फीडिंग आपको मिलेगी LPU में जाके, कहना कि आपको एक एक चीज़ पूरी सिखाई जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। LPU में हर कोर्स का, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ LPU की नहीं, लेकिन यहाँ पर LPU की बात करो, एक वेल डिफाइंड कोर्स बनेगा, उसके अंदर वेल डिफाइंड सिलेबस बनेगा, सिर्फ टीचर्स वगैरह आपको उतना सिलेबस पढ़ाएंगे क्लास में आना। कुछ टीचर की नॉलेज तो बहुत ज़्यादा डीप होगी तो आपको क्लासेस के बाद या क्लास में थोड़ा डीप में समझा देंगे, लेकिन मैक्सिमम टीचर्स वगैरह आप पे उतनी एफर्ट पुट करेंगे जितने सिलेबस में लिखा होगा। तो स्पून फीडिंग बिल्कुल मत सोच के जाना, फैकल्टी के मामले में थोड़ा अगर आप करो कि थोड़ा कम ही सही है ना, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगली बात जो आती है प्लेसमेंट की, तो भैया प्लेसमेंट होगी कि नहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। तो यहाँ पे अभी जैसे आओगे भी तो वेबसाइट में जिसके लिए हम LPU में जाते हैं वो प्लेसमेंट्स ही है ना, जो इतने पैसे वो लेते हैं, इतनी फीस लेते हैं, वो प्लेसमेंट्स के लिए लेते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो लेते हैं लेकिन प्लेसमेंट्स के लिए लेते हैं क्योंकि प्लेसमेंट्स में LPU बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है और अच्छी खासी कंपनीज लाते हैं। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा भी देता हूँ, LPU बीटेक स्टूडेंट पास आउट है ना, 64 लाख का इसको पैकेज लगा गूगल पे है ना, तो ये बैंगलोर ऑफिस में ज्वाइन करेगा, LPU का स्टूडेंट था। तो उसके बाद यहाँ पे अभी यहाँ पे आप देखोगे कि जो हाईएस्ट पैकेज है वो कितना है, 62.72 लाख का है, अर्जुन को मिला है, बीटेक का स्टूडेंट है ये, अर्जुन को मिला है 62.72 लाख का, ये 2022 का हाईएस्ट पैकेज है। तो ये हाईएस्ट पैकेज सच में मिला है? हाँ ये हाईएस्ट पैकेज सच में मिला है, लेकिन कितने बच्चों को मिला है, सिर्फ अर्जुन को ही मिला है ना, यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ अर्जुन को मिला है। 64 लाख का जो पैकेज मिला है ये मिला है हर कृष्ण को, लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि ये मतलब LPU में ऑन कैंपस मिला है या ऑफ कैंपस मिला है। कई बार ऐसा भी होता है जब हम हाईएस्ट पैकेज वगैरह देख लेते हैं तो वो अभी आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको कैसे पता लगेगा। 64 लाख का पैकेज है ये, हाँ मिला है LPU के स्टूडेंट को ही मिला है, लेकिन ये ऑन कैंपस मिला है ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो कई बार कई यूनिवर्सिटीज़ वाले ऐसा भी लिख देते हैं यहाँ पे, जो मतलब ऑफ कैंपस वाले होते हैं उसमें भी लिख देते हैं हाईएस्ट पैकेज, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो हाईएस्ट पैकेज कहाँ से देखना है वो सही वाला वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको ऑन कैंपस मतलब LPU ने दिलवाया हुआ, LPU में यूनिवर्सिटी आई। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं 431 LPU के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लेस हुए हैं, कितने लाख के पैकेज, 10 लाख से लेके 62.72 लाख के बीच में है ना, वो भी हम अच्छे से डिटेल करेंगे कितने बच्चे क्या हुए। तो ये कितना डाटा है 2021 और 2022 का, मतलब 2 साल का डाटा है जिसमें 2 साल में 431 स्टूडेंट 2 साल में 10 लाख के पैकेज के ऊपर आए। तो अब 2 साल मतलब 2 साल मतलब 2 बैच पास आउट है, 2 बैच में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, अप्रॉक्सीमेट 8 से 9 टोटल स्टूडेंट पढ़े होंगे 2021 एंड 2022 को मिला के, इन दो पास आउट उनमें से अप्रॉक्सीमेट 431 स्टूडेंट्स को ही 10 लाख के ऊपर का पैकेज मिला। तो क्या प्लेसमेंट अच्छी नहीं है? नहीं भैया, ये भी आपको बहुत अच्छे बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी आपने देख लिया कि 431 स्टूडेंट्स को अप्रॉक्सीमेट मिला। तो अब यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, प्लेसमेंट्स वाले सेक्शन पे जाएंगे। तो पूरा आपको क्लियरली बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऊपर से बताऊंगा, पूरा एक चीज़ बहुत क्लियरली बताऊंगा देखते जाके। तो यहाँ पे पहले हम स्टैट्स देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको बताता हूँ 2021 में कितनी कंपनी आई। 2021 में 906 कंपनीज आई थी ना, वहाँ पे हमने देखा था कि 400 कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्लेस हुए हैं 10 लाख के। तो 2021 में 906 कंपनीज आई थी। अब 2021 में 906 में से मतलब 906 में से 421 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने 5 लाख के पैकेज ऊपर ऑफर किया। मतलब कंपनीज तो ऐसी बहुत आई जिन्होंने कितनी 421 कंपनीज ऐसी आई जिन्होंने 5 लाख से ऊपर का पैकेज ऑफर किया। तो अब इतने कम बच्चे प्लेस किए हुए, क्योंकि भैया जो मतलब वो प्लेसमेंट के लिए LPU तो कंपनीज ला रहा है लेकिन बच्चे एलिजिबल ही नहीं हो पाते। मतलब बच्चों की जो एलिजिबल ना हो पाने का मतलब क्या है कि उनकी 10th और 12th में मार्क्स कम होते हैं। जैसे बहुत बच्चों के मार्क्स लेस देन 60% होते हैं, बहुत बच्चों के मार्क्स जो कंपनी अभी यार 5 लाख का पैकेज दे रही है वो आपको मतलब एक्सपेक्ट तो करेगी कि आपके कम से कम 10th और 12th में दोनों में मोर देन 65% हो या मोर देन 70% हो, लेकिन बच्चे एलिजिबल ही नहीं होते कि उनकी जो परसेंटेज वगैरह 60% से भी कम होती है, 59% ऐसे होती है, तो वो इन कंपनीज के एग्जाम वगैरह नहीं दे पाते। लेकिन इसमें LPU का कोई भी मतलब रोल नहीं है, LPU आपको सिर्फ कंपनीज ला के देखता है, उसके बाद
कंपनी में, मतलब आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम देकर इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, वो पूरा पार्ट आपके ऊपर रहेगा। एलपीयू सिर्फ आपको उस इंटरव्यू के लिए, उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा 4 साल कि उसमें आपको कैसे मतलब क्लियर करना, वो सब करना वो एलपीयू पढ़ाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, लेकिन क्लियर करना आपके ऊपर है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल आपकी एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपने 11th 12th में जेईई मेंस के एग्जाम के लिए स्टडी वगैरह की होगी ना जाके, है ना, वहाँ पे जाके आपने कोचिंग ली होगी। बहुत लोग तो कोटा जाते हैं या बहुत सारी प्राइवेट कोचिंग्स वगैरह लेते हैं ना, वो लेके पूरा पढ़ते हैं। लेकिन जो जेईई मेन का एग्जाम है वहाँ पे आप चाहे कोटा चले जाओ, कहीं भी जाके पढ़ो, लेकिन वो तो डिपेंड किसके ऊपर करता है, आपके ऊपर करता है कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो, कितने अच्छे से पढ़ते हो। उसके बाद आगे जाके आपको जेईई मेन्स का जो एग्ज़ाम देना, उसमें सारी मेहनत आपकी होगी। वहाँ पे आपको कोटा वाला या कोई भी टीचर बड़े से बड़ा कुछ नहीं कर सकता आपकी हेल्प, वो सारा टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे आएगा आप एलपीयू आ जाते हैं, एलपीयू एक बड़ा ब्रांड है जिसमें आपको मदद कर रहा है। एलपीयू आपके लिए मतलब क्या कंपनीज ला के दे रहा है टाइप करके कि हाँ इस कंपनी के बच्चे हमारे कॉलेज में आओ, हमारे बच्चों को मतलब एग्जाम लो, उनका चेक करो कैसा है ना। तो अब उसके बाद जो पूरा प्रोसेस रहेगा वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। एलपीयू ने तो आपके लिए यहाँ पे टोटल कितनी 906 कंपनीज ला दी, उसमें से भी 421 कंपनीज ऐसी हैं जो 5 लाख का पैकेज ऑफर कर रही है। तो अब आगे प्लेसमेंट का जो क्राइटेरिया है वो टोटली आपके ऊपर रहेगा। अब 2022 की बात कर ले, 2022 में 1050 कंपनीज आई है, 1050 कंपनीज आई हैं जिसमें से 500 कंपनीज ऐसी हैं जो 5 लाख से ऊपर का जो पैकेज ऑफर कर रही है। मतलब जैसे कि 1000 कंपनी आई, उसमें से 500 कंपनी है जो ऑफर कर रही है। उसके बाद जो यहाँ पे डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज है वो कितना है, 62.72 लाख का। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना स्क्रीन पे भी, जो हाईएस्ट पैकेज कितना है 62.72 लाख का। जो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज मेंशन है ना, वो ऐसा कैंपस, जो ऐसा पैकेज है जो एलपीयू में मतलब बच्चे ने ग्रैब किया है। जो गूगल वाला पैकेज था वो पक्का ऑफ कैंपस होगा, इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज में काउंट नहीं हुआ है। लेकिन जो 62.72 लाख का जो पैकेज है वो हाईएस्ट पैकेज है, वो एलपीयू में दिलवाया, वो कंपनी एलपीयू में आई थी। अब यहाँ पे भैया प्लेस कितने बच्चे होते हैं ना, आप जैसे देखा कि 421, तो बाकी जो 8-9 हज़ार बच्चे थे उनकी प्लेसमेंट हुई है, यानी 100% प्लेसमेंट है, यानी तो बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ 100% प्लेसमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होती। बहुत से बच्चे तो एलिजिबल ही नहीं होते क्योंकि उनकी जो 10th और 12th में मार्क्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। 100% प्लेसमेंट उसको बोलते हैं जैसे जो बच्चे हर कंपनी में बैठने के लिए एलिजिबल है ना, जो मतलब कोई बच्चा है जो किसी भी कंपनी में बैठने के लिए एलिजिबल है, वो टेस्ट दे रहा है एग्जाम के और वो क्लियर रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कि 100% प्लेसमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 100% प्लेसमेंट कहीं नहीं होती, प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सब चूंकि हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 1000 कंपनी आ रही है तो बच्चे को यार मतलब कम से कम 500 मौके तो मिल ही जाते हैं, कि जो कंपनीज 3-4 लाख का पैकेज ऑफर करती है तो 60% वाले 50% वालों को भी मौका देती है एग्जाम देने का, तो उनमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे मास रिक्रूटर कंपनी कौन सी है देखते हैं, जो ज़्यादातर कंपनी रिक्रूट करती है, कॉग्निजेंट सबसे ज़्यादा रिक्रूट करती है, कैपजेमिनी है, उसके बाद विप्रो है, TCS है, सारी कंपनीज हैं। तो ये जो सारी कंपनीज है, जो मास यहाँ पे पोर्शन है आप देख सकते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 30-40% है जो कॉग्निजेंट रिक्रूट कर रही है। कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ये एक्सेंचर, TCS, विप्रो, DXC, ये क्या है, सारी मास रिक्रूटर कंपनीज है। अब जो ये कंपनीज वगैरह, अब जो यहाँ पे बात करते हैं यार, जो हाईएस्ट पैकेज है 62 लाख का, ये भी कौन सी ब्रांच का, ये बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच का है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब केमिकल इंजीनियरिंग का 62 लाख का हाईएस्ट पैकेज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हाईएस्ट पैकेज लिखा हुआ है, ये हाईएस्ट पैकेज ये जितना भी है 40 लाख का, ये कितने ऑफर किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर किया था, ताने को मिला था शायद, है ना, ये इस साल का है 62 लाख का, ये भी किसको मिला है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला है। तो ये जो कंपनीज में कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, विप्रो, TCS, ये सारी कंपनीज भी किस लिए, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। अब यहाँ पे जो 1000 कंपनीज आई हैं, 1000 में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 700-800 कंपनीज तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच की होंगी, है ना, मतलब 700-800 कंपनी कंप्यूटर साइंस ब्रांच की होंगी। ये जो 500 कंपनीज आई हैं जो 5 लाख का पैकेज ऑफर कर रही हैं, इनमें से भी अप्रॉक्सीमेट 400 कंपनीज ऐसी होंगी जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच की होंगी। ये कंपनीज मैक्सिमम सारी किसके लिए, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट है, जो सबसे ज्यादा शो ऑफ किया जाता है, वो कौन सी ब्रांच का है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का या इंजीनियरिंग ब्रांच का, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट वगैरह वो सब इंजीनियरिंग ब्रांच का। तो अब ऐसा है कि दूसरी जो कोर्सेज है उनकी प्लेसमेंट नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, उन कोर्सेज की भी प्लेसमेंट है, लेकिन आप ऐसा नहीं सोच सकते कि उसमें इतनी ईजिली प्लेसमेंट मिल जाएगी जितनी ईजिली आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच में मिल जाती है। इसी वजह से जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है वो बहुत ज्यादा फेमस है और आजकल चल रही है डिमांड में, इसलिए उसमें स्टूडेंट इनटेक ना, स्टूडेंट की क्वांटिटी उतनी ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतनी ज्यादा जॉब्स है, उतना ही ज्यादा कॉम्पिटिशन है। अब जो सिविल इंजीनियरिंग है, दूसरी इंजीनियरिंग के ब्रांचेस, उनमें भी आती है कंपनीज, लेकिन बहुत ज़्यादा कम आती है, लेकिन उनमें बच्चे भी कम होते हैं, उनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम होती है और थोड़ा कंपटीशन भी कम होता है। लेकिन आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आपका कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन आपको थोड़ा कंपटीशन भी कंपैरेटिवली कम रहता है। तो जो कंपनीज है वो एलपीयू आपके लिए बिल्कुल 100% ला रही है। तो कंपनीज के मामले में 100 points 100 out of 100, मतलब पूरी मेहनत कर रहे हैं वो आपको जॉब दिलाने के लिए। अब डिपेंड करता है कि आप कैसा पढ़ते हैं, कैसा नहीं पढ़ते, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, 10th में कैसा है, 12th में कैसा है, उसके बाद आपकी डिग्री में कैसा रिजल्ट है ना, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बने, अगर आपने वो वीडियो भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले।
तो अब अगला पॉइंट आता है वर्थ रहेगा कि नहीं। जैसे यहाँ पे आपको पूरा नीचे लिखा हुआ है ना कि कौन कौन सी कंपनी ने आपको कितना कितना पैकेज ऑफर किया ना एलपीयू की तरफ से। तो जैसे देखते हैं प्लाटो कंपनी आई थी 49 का पैकेज ऑफर किया है ना, 40 लाख का पैकेज अमेजोन ने ऑफर किया। तो ये सारी स्टूडेंट स्टोरीज वगैरह भी आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। ये तान्या है, जैसे इसको मिला था 40 लाख का, 42 लाख का माइक्रोसॉफ्ट से हाइएस्ट पैकेज तान्या को। तो ऐसे ही करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता लग जाएंगी वेबसाइट के थ्रू ही, और ये ऑलमोस्ट चीज़ें सच भी लिखी होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़े से फेर बदल किए होते हैं। वो सारे मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर ही दिए। तो अब लास्ट पॉइंट पे हम आते कि वर्थ रहेगा नहीं। तो हाँ यार, एलपीयू में एडमिशन लेना बिल्कुल वर्थ रहेगा अगर आप एक हार्डवर्किंग इंसान है। अगर आप मौज मस्ती के लिए एलपीयू में जा रहे हो तो बिल्कुल मत जाइए, अपने पैसे खराब करके वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एलपीयू में जाके। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आप स्पेशली ध्यान देगा, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट इंटेक है, तो आपको खुद उभर के ऊपर आना पड़ेगा, खुद सब चीज़ों में मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको प्लेसमेंट लेनी है ना, तो खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वर्थ रहेगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, अगर आप फीस, एलपीयू फीस के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तभी एलपीयू में जाएं। एलपीयू नेस का एग्जाम है, स्कॉलरशिप एग्जाम है, उससे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आप एलपीयू नेस का एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अगर उसके थ्रू रजिस्टर करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एलपीयू नेस का एग्जाम दो, स्कॉलरशिप लो, देख सकते हो, देखो कि आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। उसके बाद 75% आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी है, फेल बिल्कुल नहीं होना, अच्छे से मेहनत करनी है। तो वर्थ रहेगा अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेते हो और खुद जाके मेहनत करते हो और अच्छे से पढ़ते हो, तो बिल्कुल 100% वर्थ रहेगा। आप एलपीयू से 4 साल बाद यहाँ पे जब पढ़ के निकलोगे तो एक अच्छी सी जॉब लेके निकलोगे। तो आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प की हो, बिल्कुल अच्छा और मतलब सही वाला मैंने बोल दिया जो भी था, है ना। अगर आपने पूरा सुना होगा तो आपको शायद अच्छा भी लगा हो, अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे के लिए इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसी नई नई वीडियो देखने के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।